आपकी जिंदगी में कोई भी मसला हो तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अली जफर ने अपने वीडियो पैगाम में तंज करते हुए कहा कि उनके पेरोल पर कई ब्लॉगर्स हैं, ट्रंप को भी उन्होंने ही इलेक्ट कराया। ऐसा करें, अपने कमरे में डॉट बोर्ड पर मेरी तस्वीर लगाकर इस पर ठाठा करें। अली जफर ने अपना गाना सीटी बजेगी भी वीडियो में शेयर किया। इसी मामले पर हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अली जफर ने जो वीडियो शेयर की है वो दिखाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मसला चल रहा है, कोई इज्तिवाजी मसला, कोई समाजी मसला, कारोबार नहीं चला, गाना नहीं चला, इवेंट नहीं चला, तो उसके जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं हैं। उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं, क्योंकि मैं इतना ताकतवर हूँ। देखें, मेरे पेरोल पे ब्लॉगर्स हैं भाईजान। कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है, ट्रंप क्या, ट्रंप को किसने इलेक्ट करवाया भाई ने? तो अपने कमरे में एक डार्ट बोर्ड लगाएं, उस पर मेरी तस्वीर लगाएं और रोजाना सुबह उठ के ठा ठा करें, दिल हल्का होगा, गुस्सा कम होगा। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद आके वहां खड़ा हो जाऊं, आप उसके लिए भाई हाजिर है। तो इस उम्मीद के साथ ये गाना बंद कर दे यार, खुदा को थैंक यू। मनोज गाना फिर लगा देते हैं आप लोग बार बार। तो इस उम्मीद के साथ, अगर आपको कोई मसला हो, रात को सुकून से आज आप सोएं, क्योंकि भाई हाजिर है। अली जफर की वीडियो आपने देखी, इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान राज से। इमरान राज, गुलकारों का तनाजा शिद्दत अख्तियार कर गया है, मामला क्या है? जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जब से ये अली अजमत का जो गाना रिलीज हुआ था पीएसएल के हवाले से तैयार हो, तो इसको पहले दिन से ही सोशल मीडिया पे तनकीद का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद चंद हल्कों की जानब से, अली अजमत के हल्कों की जानब से ये आना शुरू हो गया था कि इसको अली जफर कहीं इसको ब्लॉगर्स को मुखालिफ जो है पोस्ट करवा रहे हैं, इस तरह का नाजा इस तरह पहले भी चल रहा था। लेकिन ये डिजिटल आज जब अली अजमत ने एक निजी टीवी पे इंटरव्यू दिया और उसमें इशारतन उन्होंने एक इल्जाम आयद किया है कि अली जफर जो है इस गाने के पीछे हैं, जो हमने नया गाना तैयार करवाया और हमारे गाने के खिलाफ भी पोस्टिंग करवा रहे हैं ब्लॉगर से सोशल मीडिया पर। इस हवाले से फिर अली जफर ने उसकी जो है अपना वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने सारी बातें की हैं कि जैसा भी उन्होंने तर्क किया है इन पे। लेकिन जब हमारी, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि शोबिज हल्कों में जब बात हुई है या हमारी म्यूजिक हल्कों में जब बात हुई है अली जफर के गाने को लेकर, तो वो गाना आज भी सुपर हिट चलाता है। वो एक पीएसएल की जो है ना पहचान बन चुका था,